हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पाठशाला एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लाकर पढ़ाई में लगे होंगे और 450 जाने का पूरे प्रयास में लगे होंगे। आप लोगों को आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ के चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि ग्राफीय विधि हम लोग सीख चुके थे। ग्राफीय विधि हम लोग सीख चुके थे, दो प्रकार की विधियां होती थी, ग्राफीय विधि और बीजीय विधि। ग्राफीय विधि हम लोग सीख चुके हैं और हम लोग इसमें बीजीय विधि में सीखेंगे। तो बीजीय विधि क्या होता है, इसके भी कितने प्रकार होते हैं ये भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं और सभी विधि को सभी को एक्सप्लेन करके हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे और बढ़िया तरीके से समझते चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग को ग्राफीय विधि हम लोग समझ चुके थे, ठीक है। ग्राफीय विधि हम लोग समझ चुके थे, ग्राफीय विधि समझ चुके थे, ग्राफीय विधि समझ चुके थे, ठीक है। चैप्टर नंबर आप लोगों का 3 है, लेक्चर नंबर 3, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, हम लोग इसमें पढ़ेंगे, देखिए हम लोग इसमें पढ़ने वाले क्या हैं, हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि ग्राफीय विधि हम लोग देख चुके थे, ठीक है। तो उस पर क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग ने किया था, ठीक है, और भी करेंगे कुछ क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग चलेंगे बीजीय विधि क्या होता है और बीजीय विधि में किस किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ग्राफीय विधि हम लोग पढ़ रहे, ठीक है। तो ग्राफीय विधि हम लोग क्वेश्चन को बना चुके थे, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब एक और शर्त होता है, ठीक है, कहता है, ठीक है, किसी भी जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है उसमें आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि कोई भी मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ, तो आप लोगों को कहेगा कि यह संगत है या असंगत है, संगत या असंगत, मतलब संगत है या असंगत है, इसको हम लोग कैसे समझेंगे। तो संगत और असंगत का क्या होता है रूल, पहले रूल को जानेंगे। तो रूल में हम लोग ने 3 गुण उसके पढ़े थे, ठीक है, 3 मतलब 3 स्थिति में कोई भी समीकरण रह सकता है, ठीक है, दो चर वाले रैखिक में समीकरण रह सकता है, तो 3 स्थिति में रह सकता है। तो पहला नंबर में हम लोगों का क्या दिया हुआ था, पहला नंबर में हम लोगों का दिया हुआ था प्रतिच्छेद रेखा, जिसका क्या होता था a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते थे, प्रतिच्छेद रेखा। तो इसका सॉल्यूशन हल कितना होता था, इसका हल अद्वितीय कहते थे। अद्वितीय मतलब हम लोग बताए थे कि अद्वितीय मतलब क्या होगा, 2 नहीं होगा, मतलब कि क्या बचा, तो 1 होगा हल, इसका हल होगा वो अद्वितीय होगा, ठीक है, एक शर्त हो गया। दूसरा शर्त में हम लोग चलते हैं, दूसरे में दिया हुआ था समानांतर रेखा, इसका क्या था, a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। जब इस प्रकार से कोई भी समीकरण का, ठीक है, इस प्रकार से रहेगा कोई भी समीकरण, तो उसका हल क्या होगा, समानांतर रेखा का हल क्या होता है, समानांतर रेखा का एक भी हल नहीं होता, एक भी हल नहीं, ठीक है। और तीसरा नंबर में हम लोग का दिया हुआ है, तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है,
प्रतिच्छेद रेखा हो गया, समानांतर रेखा हो गया, और हम लोगों का तीसरा दिया हुआ था संपाती, संपाती रेखा, संपाती रेखा। तो इसका जो समीकरण का जो फॉर्म है वो कैसे लिखते हैं, तो A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 बराबर है C1 बाई C2। इस फॉर्म में रहेगा आप उनको जब दिया हुआ तो क्या होगा, वो संपाती रेखा होगा। तो संपाती का कितना हल होता है, संपाती का अनगिनत, अनगिनत हल, अनगिनत हल होता है इसका, कोई निश्चित नहीं है, जो आप कुछ भी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, x बराबर जैसे कोई समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y + 10 और 3x + 6y = 16। इस प्रकार से कोई समीकरण दिया हुआ है तो इसमें क्या होगा, इसमें अनगिनत हल हो सकता है, x बराबर कुछ भी आ सकता है, 0 से लेकर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 हो सकता है, माइनस में भी जा सकता है, ठीक है, अनंत तक। तो अनंत मतलब क्या हो गया, अनगिनत, जितना भी मान आप डालिएगा, मान लीजिए x बराबर 0 रखें तो y का मान कुछ अलग आएगा, 1 रखिएगा तो अलग आएगा, 2 रखिएगा तो अलग आएगा, मतलब अनंत तक जितना रखिएगा उतना ही इसका वैल्यू आता जाएगा। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अनगिनत हल इसका होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं इसका अनगिनत हल होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या था, संगत और असंगत के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, संगत और असंगत, संगत मतलब जुड़ा हुआ, असंगत मतलब संगति, आप समझते, संगति, संगति मतलब ग्रुप, ठीक है, ग्रुप, असंगति मतलब कोई ग्रुप नहीं। तो उसी में क्या है कि संगत में क्या कौन कौन आया था, तो संगत में कौन कौन आएगा, जिसका हल होगा वो संगत कहलाता है, और जिसका जो समीकरण का कोई हल नहीं होता है, मतलब क्या किसका कोई हल नहीं, तो ये समानांतर रेखा का कोई हल नहीं है, तो ये हम लोगों का क्या कहला जाएगा, ये हम लोगों का क्या कहलाता है, असंगत। और ठीक है, असंगत कौन कहलाएगा, समानांतर रेखा जिसका एक भी हल नहीं होगा, देखिए इसका एक भी हल नहीं, इसका एक भी हल नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, असंगत कहते हैं। और ये दोनों को क्या कहते हैं हम लोग, इसको और इसको, इसको और इसको, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, संगत कहते हैं, क्योंकि इसका इसका भी हो रहा है, हल है, ऐसा नहीं कि नहीं है, हे एक रहे चाहे दो रहे, लेकिन हे इसमें अनगिनत है, मतलब दोनों में हल है, तो क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा, ठीक है, संगत कहलाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अब हमारा संगत और असंगत के बारे में पढ़ लिए, अब क्वेश्चन में दिया हुआ रह सकता है, क्वेश्चन भी इससे आता है, ठीक है, क्वेश्चन भी इससे क्या होता है, आता है। इसमें आप लोगों को समीकरण दिया हुआ रहेगा और बोलेगा कि ये संगत है, जो ये समीकरण दिया हुआ है ये संगत है, ये असंगत है, संगत है ये असंगत, ठीक है। तो आप लोग इसका कमेंट में उत्तर दीजिएगा, हम लोग क्वेश्चन को कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं कि संगत होगा या असंगत होगा, संगत होगा या असंगत होगा, ठीक है, क्वेश्चन को कुछ प्रैक्टिस करेंगे तभी हम लोगों को समझ में आएगा कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है और किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, आप लोगों का समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y = 10, ठीक है, और दिया हुआ है आप लोगों का, ठीक है, 4x + 7y = 12, ठीक है। इस प्रकार से कोई भी समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण, यह समीकरण संगत है, यह समीकरण समीकरण संगत है, यह असंगत है, संगत या
असंगत है। तो आप लोग इसका कमेंट में जवाब दें। तो ये हमारा समीकरण दिया हुआ है, ये हमारा समीकरण दिया हुआ है। अब इसमें पहले हम लोग ए बी ए वन, ठीक है, ए वन इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, ए वन निकालेंगे, ए टू निकालेंगे, बी वन बी टू सी वन सी टू निकालेंगे। अब हमको सभी में, सभी फॉर्म में रख कर देखना होगा, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें। तो देखेंगे हम लोग कि किस समीकरण में ये आ रहा, ठीक है। तो क्या होगा, तो प्रतिच्छेद रेखा और संपाती रेखा जिसका एक भी हल होता है वह संगत कहलाता है। अब इसका हम लोग ए वन ए टू और बी वन बी टू निकालते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग कहाँ लिख देते हैं, यहाँ सॉल्यूशन हम लोग हल करते हैं। अब हम लोगों का दिया हुआ है ए वन दिया हुआ है टू, ये तो आप लोग आता लिखने के लिए, ए टू दिया हुआ है फोर, बी वन बी वन क्या दिया हुआ है, बी वन आप लोगों का थ्री दिया हुआ, और बी टू बी टू दिया हुआ है सेवन दिया हुआ, और सी वन दिया हुआ कितना है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, एग्जाम में ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ऐसा नहीं लिख के चलाइएगा, ये दस लिखा हुआ है तो दस ही मान के अंत बना देंगे, ये बारह लिखा हुआ है तो सी टू बारह लिख देंगे, नहीं ये गलत हो जाएगा। क्यों करना है, इसको इधर लिख जाना है, किसी भी फॉर्म को दिया हुआ रहेगा जब हम इस रूप में लिख रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, जैसे देखिए टू एक्स प्लस थ्री वाई, टू एक्स टू एक्स टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर दस, ठीक है। अब हम लोग इसको इस ये इस ओर लाएं, ठीक है, एल एच एस में लाएं, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस, देखिए इधर है प्लस में इधर हो जाएगा क्या माइनस हो जाएगा, माइनस दस बराबर जीरो। अब ये हो गया क्या आपका, ये ए हो गया, ठीक है, ये आपका ए हो गया, ये क्या हो गया बी हो गया, और ये क्या हो गया सी हो गया। सी में कुछ भी लिखा हुआ रहेगा ये पूरा रहेगा सी, ठीक है, ये पूरा रहेगा सी, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस दस और माइनस बारह, यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस दस और माइनस बारह, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सभी फॉर्म में लिख के देखते हैं, पहले हम लोग इसमें लिख के देखेंगे, ठीक है, इसमें यार। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तो लिखते हैं फॉर्म में ए वन बाई ए टू बराबर बी वन बाई बी टू बराबर सी वन बाई सी टू, इस फॉर्म में क्या है ए वन बाई ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू दिया हुआ। ये सब फॉर्म आप लोग को याद रहना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसको चेक करने के लिए, ठीक है, अब कोई भी समीकरण दिया हुआ है हम लोगों का आ जाता है समानांतर रेखा, तो उसका हम लोग हल करेंगे तो एक भी हल नहीं निकलेगा, तो वो तो बनाना मेरा व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए हमको ये पता होना चाहिए कि ये इसका हल होगा, तो हल होगा तो इसका बनाएंगे, हल इसका मिलेगा हमको, इसका हल जब नहीं रहेगा तो हल इसका नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले शुरू हम इसके चेक कर लेंगे तो हम निश्चिंत हो जाएंगे कि इसका हल नहीं होगा, इस क्वेश्चन को हम लोगों को नहीं बनाना, लेकिन ग्राफी विधि में सबको बनाना, इसका क्या होगा हल नहीं होगा, लेकिन इसका क्या होता है समानांतर रेखा, मतलब इसमें ग्राफ जो कैसा बनेगा समानांतर बनेगा, ठीक है, मतलब दो लाइन की तरह, ठीक है, जो ग्राफ है आप लोगों का जो ग्राफ है उसमें कैसे भी ऐसे खिंचा सकता है दो लाइन, चाहे ऐसे खिंचा सकता है लेकिन दो लाइन खिंचाएगा, ठीक है, दो लाइन खिंचाएगा। अब वो ए वन हो गया दो, ए टू फोर चार, बी वन तीन, बी टू सात, और सी वन माइनस दस माइनस बारह, माइनस माइनस खत्म। देखिए कहीं पर मिल रहा है नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, तो इस फॉर्म में हम लोग यहाँ पर नॉट इक्वल टू आ गया, नॉट इक्वल टू किस में मिल रहा है, प्रतिच्छेद रेखा में मिल रहा है, और प्रतिच्छेद रेखा क्या होता है
अद्वितीय हल, मतलब एक हल होता है, और एक हल होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, संगत कहते हैं। तो अतः यह समीकरण, अतः यह समीकरण समीकरण क्या है, संगत है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, और बढ़िया तरीके से हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग पढ़ते रहिए। नहीं समझ में आया आप लोग कमेंट में इसका पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत होता है तो पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई अवश्य देंगे। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए इसको हम लोग अब मिटा देते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आप लोगों का दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है आप लोगों का, ठीक है, 4x + 6y बराबर है कितना, 12। ठीक है, और 8x + 12y बराबर हो गया यहाँ पर 16। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक, तो हम लोग इसका कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो यह समीकरण, यह समीकरण संगत है या असंगत, संगत या संगत, असंगत है। तो इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसी प्रकार से जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे। ठीक है, कि कैसे किए थे हम लोग पिछले क्वेश्चन में, हम लोग किए थे कैसे, पहले ए और ए वन ए टू, ए वन ए टू, बी वन बी टू, सी वन सी टू को पहले निकालेंगे, उसके बाद हम सभी फॉर्म में रख के देखेंगे, पहले इसमें धरेंगे, फिर इसमें रखेंगे, फिर इसमें रखेंगे, जिसमें सूटेबल होगा उसके अनुसार इसका क्या होता है। अब देखिए मान लीजिए हो जाएगा समानांतर मान, ठीक है, समानांतर में हो जाएगा, इसका एक भी हल नहीं होता, इसलिए क्या करेंगे, संगत कहें। तो इस पर बैठा के हम लोग देखते हैं कि क्या होता है इसका सॉल्यूशन। ए वन ए टू डायरेक्ट लिखते हैं, अब ए वन ए टू बाई बराबर है ए बी वन हो जाएगा, बी वन बी वन और बी टू बराबर है सी वन सी टू। अब हम लोग डायरेक्ट इस पर मान बिठाते हैं, ये हो जाएगा 4/8, 6/12, 12/16, 4 × 8 1/2, 6 × 12 1/2, 4 × 12 4 × 16, क्या किस फॉर्म में आ गया, ये 1/2 बराबर 1/2 नॉट इक्वल टू 3/4। ये किस फॉर्म में आ गया, इसका फॉर्म क्या हो गया, यहाँ पर क्या था नॉट इक्वल टू। अब देखिए किस फॉर्म में आ रहा, तो हमारा समानांतर फॉर्म में आ रहा है, इसमें आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक भी हल नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा इसको, अतः यह असंगत, अतः यह समीकरण असंगत है। इसमें ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप लोगों को हम ये बताने का सोचे। ठीक है, और बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस लिख दीजिएगा, कमेंट में यस लिख दीजिएगा, यस। ठीक है, और दिल बनाकर भी आप लोग भेज सकते हैं। ठीक है, कमेंट में दिल बनाकर भी डाल दीजिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को यह समझ में आ रहा हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को रह सकता है कि संगत है या असंगत है, कुछ भी बहुत सारे समीकरण है। ठीक है, तो उसको
आप लोगों को इस प्रकार से करके पहले ज्ञात करना है संगत है या असंगत है, तो उससे हमको पता चल जाएगा। जिसका हल नहीं होगा, जिसका एक भी हल नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा? असंगत कहलाएगा, ठीक है। और जिसका एक भी हल होगा, एक भी हल एक से अधिक, वो क्या कहलाएगा? वो आप लोगों का संगत कहलाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जिसका कोई नहीं वो असंगत, जिसका है वह संगत, ठीक है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोगों का दिया हुआ है ग्राफीय विधि, हो गया हम लोग का ग्राफीय विधि में इतना ही पढ़ना था आप लोगों को। अब हम लोगों को पढ़ना है, क्या पढ़ना है? दो प्रकार की विधियां होती थी, ग्राफीय विधि और क्या होती थी? बीजीय विधि। तो ग्राफीय विधि हम लोग पढ़ चुके हैं और बीजीय विधि हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बीजीय विधि, तो बीजीय विधि, ठीक है, बीजीय ये बीज विधि कहते हैं, ठीक है, बीज विधि, ठीक है, बीज विधि, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? बीज विधि। देख, बीजीय विधि, बीजीय विधि क्या? एल्जेब्रिक क्या हो गया? मेथड, ठीक है। तो इसके तीन प्रकार से इसको बनाया जाता है। पहला हो गया प्रतिस्थापन विधि, स्थापन विधि। दूसरा, ये पहला हो गया, दूसरा आप लोगों का क्या दिया हुआ है? विलोपन, विलोपन विधि। और तीसरा में आप लोगों का दिया हुआ है क्या हो जाएगा? ब्रज, ब्रज गुणन विधि, ठीक है, ब्रज गुणन विधि, ब्रज गुणन विधि। तो ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि क्या है, विलोपन विधि क्या है और प्रजगुणन विधि क्या है, ये हम लोगों को सीखना, बीजीय विधि में हम लोग को ये सीखना अवश्य, ठीक है। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या? प्रतिस्थापन, मतलब हम लोग पहले प्रतिस्थापन को डिस्कस करेंगे। इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं हम लोग, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि। बस सिर्फ हम समझाएंगे और इसका डिफाइनर, मतलब डिफाइन ये पूछता नहीं है, तो आप लोग सिर्फ समझिए कि कैसे इसका मतलब क्या होता है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब, ठीक है, मतलब किसी के स्थान पर बैठाना। अब हम लोग चलते हैं प्रतिस्थापन विधि होता है, उसको इंग्लिश में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, प्रतिस्थापन। देखिए, इसको प्रतिस्थापन, ठीक है, प्रतिस्थापन, प्रति का मतलब क्या होता है? स्थापन, बैठाना। और प्रति का मतलब किसी के स्थान, किसी के स्थान पर। इसका मतलब होता है कि प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है? देखिए, किसी भी समीकरण का नाम किस आधार पर पड़ा होगा? किसी भी समीकरण का नाम
30,000 पड़ा होगा, उसके गुण के ही आधार पर कोई भी व्यक्ति उसके गुण के ही आधार पर उसका नाम रखा जाता है। ठीक, तो इसमें क्या है, प्रति, प्रति मतलब किसी के स्थान पर बैठाना, मतलब क्या है कि दो चर दिया हुआ रहेगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो वास्तविक है, ठीक है, मतलब ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसमें क्या होगा दो चर रहेगा, ठीक, तो इसमें दो चर दिया हुआ है, एक चर में क्या करेंगे दूसरे वाले चर का मान बैठाएंगे, ठीक है, मतलब प्रति और स्थापन, प्रति मतलब क्या होगा किसी के स्थान पर, और स्थापन मतलब स्थापित करना, स्थापित करना, ठीक है, मतलब स्थापित कर दिया, ये इस भगवान की, इस भगवान की मंदिर यहाँ पर उनको स्थापित कर दिया गया, मतलब उसको उनको जगह वहां पर दे दिया गया, ठीक है, ठीक है, वहां पर कोई भी था लेकिन वहां पर उनको जगह दे दिया गया, इससे हम लोग समझें, तो स्थापना मतलब बैठाना, वहां पर बैठा दिया। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे तब हम लोगों को ये बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, ठीक है, क्या प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि क्या होता, तो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, किसी के स्थान पर दो चर दिया हुआ है, किसी के स्थान पर जब हम किसी वस्तु को बैठाते हैं किसी के स्थान पर, तो वहां पर जो, ठीक है, किसी पर जो दो को चर दिया हुआ रहेगा, एक चर को दूसरे के मान में बैठाएं, तो जो जिस मतलब कि जिस चर का मान जब बैठाएंगे उस चर का मान वहां से प्राप्त होगा। अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस को करेंगे तभी हम लोग को यह समझ में आ पाएगा, ठीक है, क्वेश्चन हम लोग इसमें कुछ करते हैं, प्रतिस्थापन हम लोग समझ चुके हैं, और इसमें क्वेश्चन को जब हम लोग करते हैं तो क्वेश्चन में हम लोग का दिया हुआ है 7x-15y = 2 और x+2y = 3, ठीक है, x+2y = 3 दिया हुआ। देखिए उस कोई भी मेथड से आप लोग बना सकते हैं, परीक्षा में जब कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा तो कोई भी मेथड से बना सकते हैं, लेकिन हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं तो प्रतिस्थापन के माध्यम से बनाए। इसको समीकरण एक मान लीजिए आप लोग, इसको दो मान लीजिए, इसको एक और इसको दो। अब देखिए क्या करना है, इस समीकरण को लेते हैं, देखिए कौन इसमें बड़ा बड़ा अंक लिखा हुआ, इस समीकरण से करेंगे तो समीकरण दो से, तो x का मान या y का मान कुछ का भी रख सकते हैं, तो x+2y = 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये प्लस में इधर माइनस में चल जाएगा, 3-2y, x का मान निकल गया हम लोगों का कितना, 3-2y, यही हुआ क्या होगा तीसरा समीकरण, ठीक है। अब हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण 3 का मान, ठीक है, का मान समीकरण 1 में, देख दो का काम करके दो ही से ये निकला है, दो ही से ये निकला है, इसलिए तीसरा लिख, तो समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर मतलब तीसरा का मान रखेंगे 1 में क्या दिया हुआ हम लोग का 7x-15y = 2, ठीक है। अब यहाँ पर x का मान ने हमको निकला है, x का मान निकला है यहाँ पर हम लोगों का, तो x बराबर यहाँ पर लिखेंगे 3-2y, तो 7 × क्या जाएगा 3-2y, देखिए बोले कि किसी के स्थान पर स्थापित कर रहा ही क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन। देखिए यहाँ पर x का मान का स्थापित किए हैं, x नहीं लिखे, इसके मान का स्थापित किए हैं, तो इसको हम लोग x बराबर हम बोल सकते हैं कि 3-2y के बराबर है कौन है x का मान, तो
यहाँ पर एक्स का मान रख दिए और जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख देंगे, 15/2। आप गुना कर दीजिए, 7 या 21, 7 × 14/2 -15/2 = 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करना, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 14 × 28 = 29, 14 × 28 = 29, 21 - 29, ठीक है, 29/2, 29/2, 14 × 28, देखिए यहाँ पर गुना ठीक हुआ है, 7 या 21, ये यहाँ पर 21 होगा, 7 या 21 तो ठीक तो किए हैं, और 7 × 14/2, ठीक है, 7 × 14/2, और हम लोग क्या यहाँ क्या लिखेंगे, वहाँ पर 21 हो गया माइनस, तो ये 14 × 28 = 29/2, ठीक है, = 2 हो गया। यहाँ पर -29/2 = 2, यहाँ पर प्लस में है एक्स, फिर माइनस, -21 -29/2 = हो जाएगा -19, ठीक है, क्या हो गया, 2 में से -21 घटेगा तो क्या हो जाएगा -19, ये माइनस खत्म हो जाएगा, हम लोगों का बाई बराबर जो समीकरण आएगा, बाई बराबर जो आएगा 19/29, ठीक है, 19/29 आएगा, ठीक है, 19/29, तो बाई का मान क्या आ गया हम लोग का, 19/29, 19/29, ठीक। अब हमको सिर्फ बाई का मान निकला है, दोनों का हम लोग का मान निकालना है, तो बाई का मान निकल गया, अब बाई का मान लिखेंगे हम लोग, बाई का मान समीकरण 3 में रख, 3 में रखने पर ये बाई का मान निकला है वो 3 में रखेंगे, कुछ में भी, इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी कुछ में भी रख सकते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट है, डायरेक्ट हम लोग को बाई का मान पुट करना होगा, तो इसमें कर देते हैं, तो एक्स बराबर क्या दिया हुआ है हम लोग का, 3 - 2y, 3 - 2y, 3 माइनस क्या हो जाएगा, 2 × 19/29, 19 × 2 = 38 हो जाएगा, 3 - 38/29, ठीक है, 3 × 19 = 38 होते हैं, बटा 1 किसको कर देते हैं, ठीक है, तो इसका हम लोग इधर लिख देते हैं, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, क्या हो जाएगा इधर 3, तो 29 का लघुत्तम 29 हो गया, 29 का लघुत्तम 29 हो गया, और यहाँ पर हो गया 29 क्या करिए, 9 × 3 = 27, 2 × 3 = 6 = 7, 3 × 2 = 2 = 8, 87 - 38, तो 17 38 घटा दीजिए इसमें, 17 में से 8 गया तो क्या बच गया 9, और यहाँ पर 7 में से 3 गया तो कितना बच गया 4, तो 49 49/29, यही आप लोगों का आंसर आ गया, किसका मान आ गया, ये x बराबर, यहाँ पर x बराबर लिखते थे मान, तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः x बराबर 49/29, और कौमा y बराबर क्या लिख देंगे यहाँ पर 19/29, ठीक है, ठीक, तो x बराबर 49/29 और y बराबर क्या गया 19/29, तो ये आप लोगों का आंसर हो गया, किसके द्वारा, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, आशा करते हैं आप लोग को यह समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या किए थे कि जो बाई का मान निकला, बाई का मान इसमें रख, इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी कुछ में भी रख सकते हैं, लेकिन हम लोग छोटे से जो ये समीकरण छोटा मोटा है, छोटा मोटा से जल्दी से फर्स्ट में बन जाता है, तो फर्स्ट में करने के लिए डायरेक्ट बाई का मान लिखें और इससे इतना आ गया और एक्स और बाई का मान निकल गया, ठीक है, एक्स और बाई का मान निकल, ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।
चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन। ठीक है चलिए, क्वेश्चन में अगला नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रतिस्थापन विधि से ही हम लोग सीखेंगे। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। रूट एक्स प्लस रूट क्या दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ है आप लोगों का रूट टू एक्स, टू एक्स प्लस रूट थ्री बाई बराबर जीरो और रूट थ्री एक्स और माइनस रूट आठ बाई बराबर जीरो, ये आप लोगों का समीकरण दिया हुआ। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप लोग सोच रहे हो कि ये रूट वाला है, इसको बनाने में दिक्कत हो, लेकिन ये उससे भी आसान है, ये तुरंत ही बन जाएगा। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको समीकरण एक मानेंगे, इसको समीकरण दो मानेंगे। ठीक है, और कोई भी ले लेते हैं समीकरण एक से, समीकरण एक से, ठीक है एक से, तो रूट दो एक्स प्लस रूट तीन बाई बराबर जीरो, तो यहाँ पर हो गया रूट दो एक्स बराबर माइनस रूट तीन बाई, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस रूट तीन बाई बाई रूट दो, किसका मान हो गया एक्स का मान। ठीक है, एक्स का मान ही रहा। अब लिखते हैं कि पहला समीकरण से हमको ये सब ये निकला है पहला समीकरण से, तो इसको छोड़ के इसमें हम मान देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक्स का मान समीकरण एक में रखें, समीकरण इस एक तो हम लिए थे दो में रखें, में रखने पर दो में मान धरेंगे, तो इसमें रूट थ्री एक्स माइनस रूट आठ बाई बराबर जीरो, एक्स बराबर मान धरना रूट थ्री यहाँ पर गुना माइनस रूट थ्री बाई बाई बटा रूट दो माइनस रूट आठ बाई बराबर जीरो। अब हम लोग को इससे गुना कर देना, ठीक है गुना कर देंगे, तो रूट डबल रूट है वो संख्या आया था, तो माइनस थ्री बाई हो जाएगा बाई रूट दो माइनस रूट आठ बाई बराबर जीरो। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे हम, एक कर देते हैं। ठीक, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा रूट दो हो जाएगा एलसीएम इसका। अब रूट दो हो गया तो यहाँ पर माइनस थ्री बाई ही बच जाएगा, क्योंकि रूट दो से रूट दो में भागा देंगे तो एक आएगा और एक से गुना कर देंगे, यहाँ पर माइनस देगा एक से भगा देगा रूट दो में तो रूट दो आएगा, तो यहाँ हो जाएगा रूट आठ बाई अगुने रूट दो बराबर जीरो। तो यहाँ पर हम लोग अब इधर लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर माइनस तीन बाई आठ दूनी सोलह, अंदर में गुना कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दो रूट दो लिख सकते हैं इसको, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं दो रूट दो बाई और इंटू रूट दो बाई रूट दो बराबर जीरो, डबल रूट एक संख्या तीन बाई माइनस दो दुनी चार बाई, डबल रूट क्या हो गया संख्या दो आ गया, तो दो अगुना दो गुना दो चार बाई हो गया ना, बाई बच गया था, यहाँ पर रूट दो बराबर क्या हो जाएगा जीरो। अब इसको इधर लेके चल जाते हैं, इसको इधर लेके चल जाते हैं, तो क्या हो जाएगा इधर हम लोगों का क्या जाएगा, इधर इधर हो जाएगा हम लोगों का ये हो गया, ये रूट दो है जो इधर गुना में चल जाएगा, भागा में गुना में चल जाएगा, माइनस थ्री बाई माइनस फोर बाई बराबर तो जीरो गुना रूट दो, तो जीरो से कोई भी संख्या गुना होगा तो जीरो लिखाएगा, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस ही होगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस ही होगा। ठीक,
अब ये दोनों को जोड़ देते हैं, इस दोनों को जोड़ देते हैं तो माइनस सात बाई हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा तो चार तीन सात बाई माइनस सात बाई बराबर जीरो। अब इधर क्या है, माइनस सात गुने बाई लिखा हुआ है बराबर जीरो है, तो बाई का मान क्या आ जाएगा जीरो, इधर गुना में इधर भागा में जीरो बटा माइनस सात, तो बाई बराबर क्या आ जाएगा, दिखाई दे रहा है आप लोगों को नीचे, चलिए दिखाई दे रहा, ठीक है दिखाई दे रहा, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, अब तो लिख देंगे बाई बराबर जीरो बाई माइनस सात, तो बाई बराबर जीरो, ठीक है। तो बाई का मान क्या आ गया जीरो। अब किसी भी समीकरण में जीरो बाई का मान रखेंगे जीरो, तो जीरो मतलब रखा गया, इसका मतलब एक्स बराबर भी जीरो ही आएगा, ठीक है एक्स बराबर भी जीरो ही आएगा। तो इसका लिख सकते हैं कि अतः एक्स और बाई एक्स बराबर जीरो कौमा बाई बराबर जीरो, यही इसका आंसर हो, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग का यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और प्रतिस्थापन विधि इसी प्रकार से कोई हार्ड नहीं, पूरा आसान तरीके से आप लोगों को हम बताने का प्रयास किए हैं, और आशा करते हैं कि आप लोगों को भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसमें क्या हो गया, ये प्रतिस्थापन विधि कंप्लीट हो गया है, अब हम लोग विलोपन विधि और ब्रज गुणन विधि को हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो, थैंक।